नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, शेखर जोशी ब्लॉग्स में। तो कल जो है अच्छे से जो है दलदल 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 करके बुखार आ गया और पूरी रात बड़ी हालत खराब है। हालांकि एक गोली मैंने ले ली थी। तो गाइस, आज भूवी का जो है एनुअल फंक्शन है, कल भी है, तो भूवी जा रही है स्कूल। आज जल्दी जा रहे हैं ये लोग 8 बजे। देखो ओ हो, कैसी लग रही? कमाल यार, कमाल, मजा आ गया। हाँ, बड़े जोरदार लग रहे यार तुम तो। धन्यवाद। देख तो लो फिर इधर को थोड़ा, नजाकत तो आ ही जाती है वाली बात हुई। तो दोस्तों, एक दिन ब्लॉग नहीं आ पाया हमारा, तबीयत खराब होने की वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ भूवी को लेने स्कूल से, उसके बाद हमें जाना है चितई मंदिर। वहाँ पर हमारे खास मित्र हैं, उनकी शादी है। हालांकि शादी मैं नहीं दिखाऊंगा कुछ कारणवश, लेकिन जो है आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, भूवी को मैंने वहाँ रोक दिया है गाड़ी के पास मम्मी के साथ, मैं स्कूटी लगा के आ गया हूँ। अब हम निकलते हैं, ताकत भी नहीं आ रही यार। जूते गाड़ी में। तो दोस्तों, हम लोग बैठ गए हैं और भूवी की मम्मी भूवी को पीछे तैयार कर रही है। ये मुंह साफ करना है ना सबसे पहले। मुंह साफ करो, कैसे लाल लाल हो रखा है ये। चलें, चलो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो पहुंच गए हम लोग चिदई, यहाँ मस्त पार्किंग है फ्री की। वाह, कितना अच्छा बना रखा है देखो। यहाँ ये हो गए, आओ। जय हो चिदई गोलू महाराज की। तो दोस्तों, बरेती पीछा भी लगा दिया है, गोलजू के दर्शन भी कर लिए हैं, अब चलते हैं घर को। आनंद आ गया। दिखाओ। दो सवारी अल्मोड़ा, दो सवारी अल्मोड़ा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 100 रुपए सीट, 100 रुपए सीट। घंटी ना। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं पंचर वाले के पास, मतलब गाड़ी हमारी पंचर नहीं है, तो भावेश की गाड़ी पंचर हो गई है। तो हम जा रहे हैं पहले पंचर वाले के यहाँ, ऊपर वाला छोड़ के हम नीचे वाले से जा रहे हैं। इधर घूम के फिर लाएंगे गाड़ी। हाँ, इधर बता रहे हैं कि पंचर वाला है करके। तो एनटीडी के पास है पंचर वाला, पंचर लिखा भी है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। नहीं सुन रहे, कोई वही तो, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है यार। तो दोस्तों, पहुँच गए घर, पूरी तरह हरारत हो गई है बुखार से, अब लेता हूँ गोली। ऐसा हो रहा है आज अल्मोड़ा का, शाम का मौसम सुंदर और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। आज था हमारा एनुअल फंक्शन बच्चों वाला, बच्चों को दिखाया है। कल है असली वाला, कल दिखाएंगे पेरेंट्स को। और मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती। भूवी दिखा रही अपनी ड्रेस, स्कूल की जो मैं लड़कों को पहनने वाली। यार, इसके पीछे घूमना पड़ता है। माय गॉड, दिखा। ओ वाओ, भूवी तो बहुत प्यारी है यार। Nice. ये घुमा क्यों रही है, एक बार दिखा दे अच्छे से। तो गाइस, ये है भूविका का आउटफिट कल का, ब्लॉग में देखना आप इसको परफॉर्म करते हुए। इतना प्यार, इतना प्यार मैंने तुझे कभी नहीं किया भूवी। और गाइस, और कल को मैं व्हाइट पजामा पहन के जाऊंगी, इसके नीचे से कितनी सुंदर लगूंगी। इतनी सुंदर जैसे पहले सी है। तैयार हो चुकी है अम्मी जान हमारी। तो दोस्तों, ये जबरदस्ती मुझे ले जा रहे हैं अपने साथ, क्योंकि कल एनुअल फंक्शन है और इनको चिज्जी गिज्जी पता नहीं क्या दिलानी है, जबरदस्ती मुझे ले जा रहे हैं दोनों। चलो, इस बार तो हमें स्कूल पे ही खाना मिलेगा। और स्कूल पे मिलेगा, वो भी तो खाना है तुमने जो स्कूल पे मिलेगा। क्या क्यों नहीं मिलते हैं? चलो चलो यार, गाइस हो गई है हमारी मिनी शॉपिंग। मैं तो अपने लिए ये लाई हूँ, इन लोगों ने चिप्स लिए हैं अपने कल का सामान, मैं अपने लिए ये लाई हूँ। तो दोस्तों, समय हो गया है भजन संध्या का, तो गोली वोली खा ली है मैंने, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ये देखो, ये भजन से पहले ये उबासी क्यों ले रहे हो? ये उबासी ले रही हूँ क्योंकि तुमने इतनी नेसी फैला दिया घर में, नींद ही नींद, जिस कमरे में जा रहे, जिस बेड में जा रहे, जिस गद्दे में लेट रहे, नींद। तबियत खराब होती है तो ऐसे ही होता है। हमारा तो नहीं होती है सर। नहीं, मेरे तो होती है। मैं भी, तू भी सोती है ना? पढ़ती हूँ, मेरे को ऐसी नींद आ जाती है, क्या बताऊँ। फिर ऐसी कभी नहीं आई होगी मुझे। पढ़ाई करती है तब तो मन कर रहा है जमीन में भी सोने को मिल जाए। हाँ, कैसे भी दीवार में टेक लगा के सो जाओ। दीवार में, कॉपी के ऊपर भी सोने को, बस आंखें बंद करो। ये सोचो, मतलब ये बहुत बड़ी वो है। कल मैं क्या बताऊँ, मैंने आधा घंटा कैसे काटा है, एक एक मिनट। कहाँ? 10 बजे तक पढ़ने का है मेरा रोज का। अच्छा। 10 बजे कैसे ना कैसे पढ़ना ही है,
तो 10 बजे तक मैंने टाइम काटा जैसे तैसे। लोग सुनेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि 10 बजे सोती है ये। ऐसी कैसी आती है दोस्तों 10 बजे इतनी जल्दी सोती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठाती हूँ। बेटा उठाते उठाते आधा घंटा लगता है, 5:30 बजे उठती है। छह लगा लो उसके बाद वॉशरूम चली जाएगी, फिर 2-1 घंटा वहीं, फिर इसने 15-20 मिनट पढ़ा बस, फिर तैयार होने लग जाएगी 7:00 बजे से बस। बहुत बढ़िया टाइम निकाल दिया उसने, स्कूल से आके बढ़िया टाइम निकाल दिया। हाँ, थोड़ा ऊपर दुकान में जाती हूँ, थोड़ा नीचे दुकान में जाती हूँ, थोड़ा पता नहीं क्या रेखा लोग आगे तो अपना अंदर चलेगी। बहुत तेज है वो, नहीं पढ़ने के सारे गुण है, पढ़ने के सारे गुण है। चलो यार तुम लोग यार भजन आएगी, अरे बाप एक घंटा वो लगा लो आएगी। ये क्या क्या हुआ था का, अभी क्या कह रही थी, तारीफ करेगी तो चुपचाप मम्मी। हाँ लक्ष्य इतनी अच्छी है, पढ़ती नहीं है साले, ऐसी बच्चे हैं मेरे, ऐसा बोलती है मम्मी पूरे कॉलोनी में, इधर मोहल्ले में सब। ये तो गलत है यार, तुम वो भी जोर से बोला करो भाई। ना तो पता है ऐसे बोला मम्मी ने, मैं वहां पे थी, यहाँ पे थी, मेरे को आवाज नहीं आ रही हुई, फुसफुस तो एकदम गई वहाँ। तो तूने आइडिया लगाया होगा कि इस समय तारीफ कर रही है। चलो धार की तुनी तक जाते हैं, तुम क्या कहती ना, मम्मी कहती चलो रे ना चलो तो, हाँ हो चलो तो, आज मैंने वॉक भी नहीं करी है, चल क्यों नहीं रहे हो। नहीं पापा के साथ मम्मी इतनी जल्दी तैयार हो जाती है जाने के लिए। जलवा है पापा का बेटे, जलवा चलो थोड़ा अपना अपना सबको। और क्या, ओहो यार इसने बहुत ही नियस्ती फैला रखी यार अभी तक तुमने फैलाई थी। चलो शुरू करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन दोस्तों ऐसा रहा आज का दिन, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। गुड नाइट गाइस, राधे राधे। देख रहे हो हमारी नाराज नाराज भूभी हो रही है नाराज, इसलिए जो है भूभी की वो एक्टिंग चल रही है। बता दे क्यों नाराज हो रही करके, कोई बता तो दे यार, कोई का बता दे तो, राधे राधे बोलो। चल गुड नाइट तो बोल दे फिर गाइस को, चलो रहने दो फिर इसको, नाराज ही रहने दो, तो कर दे बेटा गुड नाइट गाइस, राधे राधे।